अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे साथ हैं राशिद भाई, जो कि इस शॉप को मैनेज कर रहे हैं। और आज मैं जिस ऑयल स्टोर में मौजूद हूँ, चौधरी ऑयल स्टोर में, तो आइए आज इनसे ज़रा गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा राशिद भाई, मुझे बताएं कि ये कब आपने ये सेटअप स्टार्ट किया और कितना अर्सा हो गया? 2018 में स्टार्ट किया था। और कब से आप इस फील्ड में हैं? तकरीबन 14 साल हो गए। तो बाय प्रोफेशन आप क्या गाड़ियों के कोई? मैं गाड़ी का मैकेनिक। अच्छा, मैकेनिक हैं। तो ये ख्याल कब आया कि यार एक ऑयल स्टोर भी स्टार्ट करना चाहिए? शुरू में जॉब की थी स्टोर पे। अच्छा, फिर वहाँ से मैंने ये भी, यहाँ पे भी जॉब है लेकिन ये मैंने बनाया था, इसको मैं चला रहा हूँ, इसकी मैनेजमेंट, इसकी ये डेकोरेशन, ये सारा कुछ। अच्छा, ये सारा कुछ आपने ही किया है। 2018 से माशाल्लाह ये सेटअप है। ये भी लाहौर में ये एक ही सेटअप है, इसके अलावा भी और कोई दूसरा काम है? वो भी बना रहे हैं। अच्छा, वो किस जगह पे? वो मोलन बाग। अच्छा ठीक है। तो डेली अगर एवरेज बात की जाए तो डेली कितनी गाड़ियों का ऑयल वगैरह चेंज हो जाता है? 15-20 गाड़ियों का एवरेज हो जाता है। एक ट्रस्ट लेवल की बड़ी बात आ जाती है कि ऑयल एक नंबर यूज़ कर रहे हैं या दो नंबर कर रहे हैं, उसकी क्या कोई मोटी सी पहचान बता सकते हैं आप? सादी सी कोई पहचान बता दें। दो नंबर होगा ना, उसमें से या तो डीजल की स्मेल आएगी, या तो डब्बे के नीचे जो है ना कट लगा होगा, डब्बा रिपेयर हुआ होगा, या फिर उसमें से डीजल की स्मेल आ रही होगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा थिक ऑयल होगा। जो जेन्युइन ऑयल होगा उसके मुकाबले में उसका कलर, उसकी वाइटनेस और उसकी थिकनेस चेंज होगी। आजकल कुछ कंपनी जो है वो ऑयल के डब्बों में सील लगा के बेचती हैं, तो वो क्या दो नंबर भी लग जाती है? एक नंबर लग जाती है, लेकिन जेन्युइन का तरीका नहीं होता, जेन्युइन के साथ वो मिलती नहीं है। अच्छा ठीक है। जो जेन्युइन कंपनी लगाती है उसके साथ उसका वो इम्बोज्ड हुई भी होती है। हमारे यहाँ पे आप कोई भी डब्बा उठा लें, उसको चेक कर लें, उसकी सील जो है ना वो जेन्युइन होगी, जो कंपनी ने लगाई है। पूरा एक सैंपल दिखाएं, जिस तरह किसी डब्बे में कंपनी फिटेड सील लगी हुई हो, कोई भी ब्रांड पकड़ लें। ये मोबाइल का ऑयल है ना, ये देखें इसको, ये जो बिल्कुल इसकी सील, ये सील है। इसको जब आप खोलेंगे ना, अब हम आपके सामने खोल लेते हैं इसको, ये जब ये टूटेगा उसके बाद ये देखें, ये सील लगी हुई है, ये सील बिल्कुल परफेक्ट है। जो दूसरी सील होगी ना वो यहाँ से यहाँ छोटी बड़ी होगी, यहाँ उसके और किसी चीज़ की होगी, और उसमें ये भी चीज़ जो है ना बहुत लूज़ होगी, और उसके डब्बे के ना यहाँ पर कट होगा, यहाँ पर जैसे ये है ना, ये मोहर लगी हुई है कंपनी की, ठीक है, उसके यहाँ पर कट होगा क्योंकि वो डब्बा बना हुआ है। ओके ओके। ऑयल फिल्टर्स और एयर फिल्टर्स की अगर बात करें, इसमें भी जेन्युइन और नॉन जेन्युइन काफ़ी आते हैं जी, जी तो उसकी क्या पहचान है बेसिकली? देखो ना, जेन्युइन फिल्टर जो है ना, ये करोला का फिल्टर है, ये जेन्युइन है। इसका आप लुक चेक करेंगे, इसका आप वेट चेक करेंगे, इसके अंदर जो लगा सिक्का लगा हुआ है वो बहुत अच्छा होता है, इसके अंदर जो पेपर है उसकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल होती है, ठीक है। इसकी ये टिक्की है, ये पंच नहीं हो रही होती, जो ये जो है ना ये लोकल है, ये एक लोकल चीज़ है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोकल है। अच्छा बात की जाए तो लोकल में भी तो सील लगी हुई है ना? सील तो लगी हुई है, लेकिन इसकी अब आपको मैं बता देता हूँ, आप चेक कर लें। मेकिंग और क्वालिटी, इसकी क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। ये हल्का है, इसका ये जैन भी बहुत हल्का है, और इसके ये देखें ये पीलापन है, ठीक है। ये इसको जो रिपेयर हुई हुई टिक्की होती है ना वो लगती है, और इसके अंदर जो पेपर है वो भी नॉर्मल होता है। तो आपने जेन्युइन के साथ नॉन जेन्युइन क्यों रखे हुए हैं? नॉन जेन्युइन इसलिए रखा हुआ है कि कस्टमर की डिमांड है, कोई पैसे नहीं खर्चता। कोई कहता है कि यार हमें 190 वाला डाल दो, और ये अब ओरिजिनल है, इसकी प्राइस है 520, यही कंपनी 2300 का दे रही है, 2400 का दे रही है। अच्छा ये जेन्युइन, ये जेन्युइन होंडा सिटी गोल बॉडी मॉडल का, पुराने मॉडल का, ठीक है। ठीक है, इसमें ये आपको मैं, अब जो आप दिखाएंगे वो कॉपी होगा? नहीं, ये है ना ओरिजिनल, ये ओरिजिनल हो गया, कॉपी कॉपी ये चीज़ होती है, ठीक है। एक तो कलर का फर्क, कलर का फर्क होता है, और उसके बनावट में भी बहुत फर्क होता है, पेपर का भी फर्क, पेपर का भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो पैकिंग में होता है, ये पैकिंग में नहीं होता, जो ओरिजिनल आता है ना वो पैकिंग में नहीं होता, पैकिंग के बगैर होता है। अच्छा अच्छा राशिद भाई, अगर बात की जाए कि किसी ने अगर ये सेटअप स्टार्ट करना हो तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी आती है लैंड के अलावा? इन्वेस्टमेंट हर कंपनी का कम से कम 1 लाख रुपये का तो ऑयल होगा, तकरीबन इस वक्त जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो 7 से 8 हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे 7-8 लाख रुपये ऑयल के लिए चाहिए, 1-2 लाख रुपये फिल्टरों के लिए चाहिए, बाकी डेकोरेशन वगैरह है इसमें। टोटल जो है ना बड़े शहर में बनाने के लिए तकरीबन 22 से 25 लाख रुपये होना चाहिए आपको, 22 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में चाहिए इस काम के लिए। और ये काम जो है 6 से 7 महीने 8 माह के पहले चलता भी नहीं है, क्योंकि लोग देखते हैं कि यार पता नहीं नई शॉप बनी है, इनके पास ओरिजिनल है भी कि नहीं है, इन जो कारीगर रखे हैं उनको काम करना आता भी है कि नहीं आता, ठीक। तो इसलिए ये परफेक्ट जो है ना
कारीगर बंदे का काम है जो इस चीज़ को समझता हो, जिसकी ये फील्ड हो, जिसने अच्छी तरह मेहनत करके पढ़ाया हो। क्योंकि गाड़ियों का भी बड़ा मामला होता है, फिल्टर लीक हो गया या सही से कसा ना गया या सही से ऑयल पूरा ना डाला, ठीक है ना। तो आप जो है कस्टमर को बता के देते हैं कि जी जेन्युइन ऑयल फिल्टर डालना है या कॉपी डालना है, पूछते हैं पहले कि आपने कौन सा ऑयल फिल्टर डलवाना है, जेन्युइन डलवाना है कि नॉन जेन्युइन डलवाना है, ये इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस ये है। लेकिन ये कभी इनमें कंप्लेन नहीं आती, अच्छा चलते हैं। अच्छा, ये भी हाई क्लास कॉपी होती होगी? हाई क्लास कॉपी है, इनमें कोई यानी कि कभी भी कोई मसला नहीं है। तो बताते हैं ना, वो क्वालिटी अभी चीज़ है, उसके अंदर पेपर होता है, उसको सर हर चीज़ का एक है। साहब, मैं वीडियो के एंड में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा, अगर किसी कस्टमर ने रबता करना हुआ या किसी ने गाड़ी का ऑयल वगैरह चेंज कराना हुआ तो वो आपसे रबता कर लेंगे। आप मुझे बता दें इस जगह की लोकेशन क्या, ताकि व्यूवर्स भी देख लें। तो जगह है ना, ये है ठोकर न्याज बेग, ये जो है ना कनाल व्यू सोसाइटी, उसके साथ ही है, उसके साथ ही है कनाल बर्ग के गेट के साथ, चौधरी हॉल। राशिद भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, ये राशिद भाई जो है इसको स्टोर को मैनेज कर रहे हैं और इनके पास ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के ऑयल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स मौजूद हैं और काफ़ी वाइड रेंज है माशाल्लाह इनके पास। और ये इन्होंने छोटा सा कस्टमर लॉन्च भी बनाया हुआ है कि कस्टमर जो हैं गाड़ी का ऑयल वगैरह चेंज कराते वक्त जो है इधर रेस्ट कर सकें, आराम से बैठ सकें, चाय वगैरह पी सकें।